हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लास्ट वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि अगर यदि एक व्यक्ति अपने कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको किस तरह से कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिलती है। तो लास्ट वीडियो में हमने दो सेक्शन डिस्कस की थी, एक तो थी हमारी सेक्शन 54 और एक हमने डिस्कस की थी सेक्शन 54B। 54 सेक्शन थी वो थी हमारी, अगर यदि हम रेजिडेंशियल हाउस सेल करके अगर यदि नया रेजिडेंशियल हाउस बाइंग करते हैं तो हमारे को 54 में एग्जेम्पशन मिलती है कैपिटल गेन से। एंड 54B थी हमारी, अगर यदि हम एग्रीकल्चर लैंड सेल करके एग्रीकल्चर लैंड को बाइंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC एंड सेक्शन 54EE को डिस्कस करेंगे और इसके प्रोविजन देखेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति को कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिलती है। तो सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी सेक्शन 54D। तो सेक्शन 54D में एग्जेम्पशन मिलती है हमारे को कि अगर यदि कोई भी कैपिटल गेन है और वो कैपिटल गेन किसके रिगार्डिंग है, कोई लैंड और बिल्डिंग अगर यदि कंपलसरी एक्वायर कर ली जाती है उसके रिगार्डिंग जो कैपिटल गेन होता है तो उसके अंदर हम 54D के प्रोविजन्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके क्या क्या प्रोविजन हैं, उन प्रोविजन्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इसमें, हु इज एंटाइटल फॉर द एग्जेम्पशन, मीन्स कि किन व्यक्तियों को, किन एसएससीज को ये एग्जेम्पशन मिलेगी। तो कोई भी एसएससी है, हर एक एसएससी को ये एग्जेम्पशन मिलेगी। जैसे हमने सेक्शन 54 और सेक्शन 54B में देखा था कि वहाँ पर एक इंडिविजुअल और HUF को एग्जेम्पशन मिलती थी 54 में और 54B में, लेकिन यहाँ पर कोई भी एसएससी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है या और कोई एसएससी है, तो हर एक एसएससी 54D में एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होता है। सेकंड जो आता है हमारा, हम देखते हैं कि क्या, कौन सी एसेट को वो ट्रांसफ़र करेगा और क्या कंडीशन होगी जिसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो इसमें हम ये देखते हैं, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ओके, लैंड और बिल्डिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगी उसको ट्रांसफ़र होती है। और ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, ये कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में वो लैंड एंड बिल्डिंग यूज़ हो रही थी और उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर यदि उस एसेट को एक्वायर कर लेती है, लैंड और बिल्डिंग को, तो उसके रिगार्डिंग ये हम इसमें एग्जेम्पशन देते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो उसके यूटिलाइजेशन में वो 2 ईयर्स तक होनी चाहिए, मीन्स कि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग जो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है वो उस एसएससी के पास एटलीस्ट 2 ईयर्स तक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज़ होनी चाहिए। और ऐसी एसेट को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तभी उसको ये एग्जेम्पशन मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एसेट ऑफ द एसएससी शुड एक्वायर टू गेट द बेनिफिट, मीन्स कि एसएससी कौन सी एसेट को एक्वायर करे जिससे उसको सेक्शन 54D में बेनिफिट मिले। तो सेम उसी तरीके से कि परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, मीन्स कि उसकी लैंड और बिल्डिंग एक्वायर हुई है इंडस्ट्रियल पर्पस में जो यूज़ हो रही थी, सेम वही एसेट वो एक्वायर करेगा, मीन्स कि लैंड परचेज करेगा और बिल्डिंग परचेज करेगा और उसका यूज़ कहाँ पर करेगा, इंडस्ट्रियल यूज़ करेगा, तभी उसको ये बेनिफिट मिलेगा। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग द एसेट, यानी कि कितने टाइम के अंदर वो उस एसेट को एक्वायर करे, जो एसएससी उस एसेट को कितने टाइम में एक्वायर करे जिससे उसको बेनिफिट मिले। तो इसके लिए हम इसमें 3 ईयर का पीरियड लेते हैं कि एटलीस्ट वो 3 ईयर के अंदर उस लैंड और बिल्डिंग को एक्वायर कर लेता है रिगार्डिंग शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग जो परचेज करेगा वो आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग होनी चाहिए, और विद इन 3 ईयर ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग को अगर यदि परचेज कर लेता है तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, मीन्स कि जितने रुपए की भी वो एसेट परचेज करता है, लैंड और जो बिल्डिंग है इस सेक्शन के अंडर में जितने रुपए की भी वो परचेज करता है, अगर यदि उसकी वैल्यू जो आपके कैपिटल गेन है उससे ज़्यादा है तो एंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जितना उसका कैपिटल गेन आता है अगर उससे ज़्यादा की एसेट की अगर यदि वो परचेज कर लेता है तो कोई भी अमाउंट कैपिटल गेन की टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर यदि कैपिटल गेन उससे एक्सेस रह जाता है,
मीन्स कि कैपिटल गेन जो न्यू एसेट आप परचेज कर रहे हो उससे ज़्यादा आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी वो कैपिटल गेन की टैक्सेबल हो जाएगी। अगर यदि वो व्यक्ति किसी कारणवश अगर लैंड और बिल्डिंग परचेज नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने जो रिटर्न फर्निश करने से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर वो अकाउंट ओपन करवा के और ऐसी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकता है। ये वाला सारा प्रोविज़न हम सेक्शन 54 और 54B में डिस्कस कर चुके हैं। वही टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर भी लागू होगी कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में वो अकाउंट ओपन करवा के अपने रिटर्न फर्निश करने से पहले अगर ऐसी अमाउंट डिपॉजिट करवा देता है तो भी उसको इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद ये एग्जेम्पशन विड्रॉल भी हो सकती है। विड्रॉ के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग उसने इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली एक्वायर की है उसको 3 साल तक वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर यदि उसने 3 साल तक ट्रांसफ़र कर दिया तो जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसी वो लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करता है, तो उस साल के लिए वो चार्जेबल टैक्स हो जाएगा। ठीक है ना, टैक्सेबल हो जाएगा उस साल में जिस साल में वो उस बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करता है। टैक्स ऑन अनयूटिलाइज अमाउंट मीन्स कि जो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जो पैसा आप डिपॉजिट करवाते हो, तो उसका हम क्या करते हैं कि जब भी उसका टेन्योर ख़त्म होता है, टेन्योर हम लेते हैं 3 ईयर, मीन्स कि 3 साल तक उस कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसका यूटिलाइजेशन लैंड और बिल्डिंग परचेज करने में, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसकी रीस्टैब्लिशमेंट के लिए हो जाना चाहिए। अदरवाइज जिस भी ईयर में वो जो कैपिटल गेन अकाउंट की 3 ईयर कंप्लीट होते हैं उस ईयर के लिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसको एक इलस्ट्रेशन से हम डिस्कस करते हैं। एक एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक लैंड और बिल्डिंग परचेज की थी, फैक्ट्री बिल्डिंग, 20 दिसंबर 2009 को 50 लाख रुपीज़ में, और बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली 31 जुलाई 2017 को, और उसको इसके रिगार्डिंग 85 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन पेमेंट कर दिया उसने 15 फरवरी 2018 को। अब कॉस्ट ऑफ जो फैक्ट्री है सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली 48 लाख रुपीज़ है। आप ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी की भी वैल्यू, तो हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर कैलकुलेट करते हैं, मीन्स कि उस एसेट की आप इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। और इसके बाद उस एबीसी लिमिटेड ने एक न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज कर ली 20 लाख रुपीज़ की, और हमने टैक्सेबल कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर ली है। तो अब इसको हम किस तरह से करते हैं, सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन ले लीजिए चाहे उसको कंपनसेशन ले लीजिए, 85 लाख रुपीज़ का उसको गवर्नमेंट ने दिया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सिंग हम नहीं करेंगे, 48 लाख रुपीज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, ये डिडक्ट हो जाएगी, बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, गेन हम इसको बोल सकते हैं 37 लाख रुपीज़ का। इसके बाद 20 लाख रुपीज़ की उसने एक बिल्डिंग नई एक्वायर कर ली, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग आ जाएगा 17 लाख, वो आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि हम इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, वो 17 लाख रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC क्या है कि आप कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, अगर यदि वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और उसके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ पर, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का जो अमाउंट आती है उसको, तो ये एग्जेम्पशन हमारे को 54EC में मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ये एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये एग्जेम्पशन जो मिलती है वो हर एक एसएससी को मिलेगी, कोई भी एसएससी होगा सभी एसएससी को ये वाली एग्जेम्पशन मिलेगी। जिस तरीके से 54D की सबके लिए एलिजिबिलिटी होती है, इसी तरीके से 54EC में भी, चाहे वो इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, कंपनी है, सभी व्यक्तियों को 54EC में एग्जेम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन से। इसके बाद सेकेंड है कि एसेट एंड द कंडीशन विच इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, मीन्स कि कौन सी एसेट ट्रांसफ़र होगी जिसके रिगार्डिंग ये एग्जेम्पशन मिलेगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी एसेट होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तभी ये बेनिफिट मिलेगा।
इसके बाद एसेट कौन सी एक्वायर करे जिससे एसएससी को बेनिफिट मिले, कौन सी एसेट को एक्वायर करने से बेनिफिट मिलेगा। देखिए कि परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को अगर यदि वो परचेज करता है तो ये लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट कौन सी होती हैं, कोई भी बॉन्ड्स हैं आपके जो कि 3 ईयर्स के बाद रिडीमेबल होंगे और जिनको कि इशू किया है किसने, एनएचएआई ने, जो कि 1 अप्रैल 2007 के बाद इशू हुआ है। इसके बाद आरईसी ने इशू किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2007 के बाद इशू हुए। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऐसे बॉन्ड्स इशू किए हैं 15 जून 2017 के बाद, और इसी तरीके से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये बॉन्ड इशू किए हैं 8 अगस्त 2017 के बाद। अगर इन बॉन्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 54EC के अंदर उसको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट है कि मैक्सिमम जो इसमें बेनिफिट मिलेगा उसको 50 लाख रुपीस का मिलेगा, 50 लाख रुपए से ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद टाइम लिमिट क्या है कि कितने टाइम के अंदर वो ऐसे बॉन्ड्स खरीदे, तो जब वो उसकी एसेट ट्रांसफ़र करता है मीन्स कि उस वो व्यक्ति उस एसेट को सेल कर देता है विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के टाइम के अंदर अगर यदि वो ऐसे बॉन्ड्स को परचेज कर लेता है तो उसको 54EC में बेनिफिट मिल जाएगा। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन मैं पहले भी बता दिया आपको कि 50 लाख रुपीज़ तक मैक्सिमम है इसमें, 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर यदि जो कैपिटल गेन है उतनी अमाउंट के अगर यदि वो बॉन्ड्स खरीद लेता है तो उसको पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल गेन से एग्जेम्प्टेड मिल जाता है। अगर यदि कम का खरीदता है मीन्स कि कैपिटल जो गेन है वो ज़्यादा है और बॉन्ड्स कम अमाउंट के खरीदे जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेस अमाउंट आएगी वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो 54EC की जो बेनिफिट है वो एक एडिशनल बेनिफिट है, मीन्स कि ये नहीं कि अगर यदि किसी व्यक्ति को 54EC में बेनिफिट मिल रहा है तो उसको और कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। मीन्स कि अगर यदि वो एलिजिबल है 54 के लिए तो भी उसको 54EC का बेनिफिट मिल सकता है, 54B की कंडीशन में भी, 54D की कंडीशन में भी। मीन्स कि ये एक एडिशनल बेनिफिट उसके लिए एप्लीकेबल है कि ये बॉन्ड्स में वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकता है टैक्स बेनिफिट के लिए। तो ये एग्जेम्पशन विड्रॉ भी हो सकती है। विड्रॉ किस कंडीशन में होगी कि अगर यदि ऐसी एसेट को 3 ईयर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर कन्वर्टेड इनटू मनी, मनी मीन्स कैश में अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है इन 3 ईयर्स, तो जितना भी इसका बेनिफिट उसको मिला है वो सारा का सारा बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में ऐसा बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है या कैश में कन्वर्ट किया गया है। इसमें आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर यदि कोई भी एसएससी 54EC में बेनिफिट लेता है तो उसको अंडर सेक्शन 80C में बेनिफिट नहीं मिलेगा, मीन्स कि एक इन्वेस्टमेंट का वो दो जगह बेनिफिट नहीं ले सकता। 54EC में अगर उसने एग्जेम्पशन ली है तो सेक्शन 80C की उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक इसको हम इलस्ट्रेशन से कवर करते हैं। मिस्टर लाल हैं, उन्होंने अपना एक रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है 50 लाख रुपीज़ का और उसके रिगार्डिंग उसने 50,000 रुपीज़ ब्रोकरेज की पेमेंट की है। उसने ये मकान जो परचेज़ किया था 1990 में परचेज़ किया था और उस मकान की जो फेयर वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को वो 6,90,000 है, तो हम यही वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। जनवरी 2018 को उसने एक नया मकान परचेज़ कर लिया 20 लाख रुपीज़ का और NHAI के बॉन्ड्स में उसने 54EC के अंडर में 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। हमने उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है कितना होगा। वही सॉल्यूशन हम देखते हैं। सेल कंसिडरेशन आ जाएगी आपके 50 लाख रुपीज़ की, ये हमने यहाँ पे ले ली। इसके बाद इसमें से हमने ब्रोकरेज लेस कर दिया 50,000 का, नेट सेल कंसिडरेशन आ गई आपकी 49,50,000 रुपीज़। इसके बाद 6,90,000 था उसका हमने इंडेक्सिंग कर दिया, करंट ईयर का इंडेक्स 272 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये अमाउंट आ जाती है आपकी 18,76,800 रुपीज़। डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आ जाती है 30,73,200 रुपीज़। इसके बाद उसने 54 में बेनिफिट ले लिया क्योंकि उसने एक नया मकान परचेज़ किया 20 लाख रुपीज़ का, वो हमने यहाँ पर लेस कर दिया। ये लेस करने के बाद अमाउंट आती है आपकी, जो बैलेंस अमाउंट आ जाएगी 10,73,200 रुपीज़। इसके बाद उसने 5 लाख रुपीज़ NHAI के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये 54EC में उसको ये बेनिफिट और मिल जाएगा, तो यहाँ से हम 5 लाख रुपीज़ और डिडक्ट कर देंगे,
रिमेनिंग अमाउंट 5,73,200 रुपीज़ जो आ जाएंगे वो उसके टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसमें 54EC के अंदर बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेक्शन आती है 54EE, 54EE के प्रोविजन एज इट इज़ वही हैं जो हमने 54EC में डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो आप सेल करते हैं उसका पैसा यूनिट स्पेसिफाइड फंड में करना चाहिए। जो यूनिट्स हैं, जो स्पेसिफाइड फंड्स हैं, उसमें वो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये कौन सी होती हैं? ये यूनिट और यूनिट इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से पहले जो इशू की गई हैं, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ऐसी यूनिट इशू की गई हैं। अगर यदि कोई भी SSC इन यूनिट्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, मीन्स कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो उसको इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट हुआ है, अगर यदि वो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 54EE में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर जो था वो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।